दोस्तों, आप लोगों के पास भी इस प्रकार के काफी कॉल्स आते रहे होंगे कि हम आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट दूसरे स्टेट में दिला देंगे, सेंट्रल पूल कोटा की सीट दिला देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट सीट दिला देंगे। तो इस प्रकार के कॉल्स की तरफ में आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये लोग सारे फेक हैं और ये आपके पैसे ऑनलाइन आपके अकाउंट से डलवा के, अपने अकाउंट्स में ऑनलाइन डलवा के, फिर इनका अता पता भी नहीं लगेगा। आप फोन करोगे, फोन नहीं उठाएंगे। आपको एक ये श्योरिटी देते हैं कि आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, वहां पर हम आपको समझाएंगे। वो आपसे पैसे लेके, जब आप उनके ऑफिस पहुंचोगे, पैसे आपसे ले लेंगे, पैसे आपसे ऑनलाइन अपने अकाउंट में डलवा लेंगे, आपको श्योरिटी देंगे कि हम आपको सीट दिलवा देंगे। उसके बाद में आप जब दोबारा उनसे संपर्क करोगे तो उनका ऑफिस ही नहीं मिलेगा। ऐसी घटनाएं पिछले कई वर्षों में देखी गई हैं। इनके ऊपर केस भी होता है, लोग केस भी करते हैं, लेकिन एक बार जब आदमी लूट जाता है तो उसके बाद में फायदा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ नुकसान, सिवाय पैसे के पैसे जाते हैं, टेंशन की टेंशन होती है, और सीट मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में जो एमबीबीएस बीडीएस का एडमिशन का जो प्रोसीजर है बिल्कुल ही फेयर है। एमसीसी का आपने देखा होगा, एमसीसी के 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। इसके अलावा जो स्टेट्स के राउंड्स होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ऑनलाइन होते हैं ज्यादातर स्टेट में। जिन स्टेट में फर्स्ट और सेकंड भी ऑफलाइन होते हैं उनमें भी बिल्कुल फेयर होता है। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाती है, पूरी सीट जो ब्लैंक सीट हैं, जो वैकेंट सीट हैं, वो बिल्कुल डिस्प्ले होती जाती हैं। जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट होती रहती है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले होता है। उसके बाद वो अपने वेबसाइट पर फर्स्ट या सेकंड राउंड की, जिनका ऑफलाइन हुआ है वो भी अपने जो रिजल्ट है वो पब्लिश करते हैं, और जिनका ऑनलाइन होता है वो तो पब्लिश होता ही होता है। तो स्टेट्स में भी सारा सब कुछ फेयर है। उसके बाद अगर मोपअप राउंड होता है तो काफी सारे, यानी तकरीबन स्टेट्स में जो मोपअप होता है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में भी सेम प्रोसीजर है, आपके सामने सीट अलॉट की जाती है, कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। इसके बाद जो वैकेंट सीट रहती हैं सेकंड राउंड या फिर मोपअप राउंड के बाद में, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाती हैं, तो काफी स्टेट्स अपना खुद का जो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाता है। कुछ स्टेट्स हैं जो इंस्टीट्यूट को देते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, वो एक लिस्ट पब्लिश करते हैं कि इन इन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली है, ये स्ट्रे वैकेंसी के लिए इलिजिबल हैं। तो वहां आप इंस्टीट्यूट में जाके उन स्टेट्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा बिल्कुल ही फेयर है। इसके अलावा जो सेंट्रल पूल कोटा की बात है, तो सेंट्रल पूल कोटा में डिपार्टमेंट वाइज सीट अलॉट होती है। डिपार्टमेंट पूरा एक बोर्ड तैयार करता है, वो बोर्ड सीट अलॉटमेंट करता है और उसका भी पूरा डिस्प्ले होता है कौन से कैंडिडेट को सीट दी गई है। इसके बाद में काउंसलिंग ओवर होने के बाद हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक मेडिकल कॉलेज अपने वेबसाइट पर एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट डाल देता है, कौन कौन से कैंडिडेट को एडमिशन मिला है, उनकी रैंक क्या थी, ये सारा का सारा पूरा डाटा आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। जो लोग आपको इस प्रकार का झांसा देते हैं वो बिल्कुल ही फेक है, कहीं आपको कोई सीट नहीं दिला सकता। सीट जो मिलती है वो बिल्कुल काउंसलिंग के थ्रू मिलती है, तो ऐसे लोगों के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। इसके अलावा आपको अगर कहीं लग रहा है कि किसी ने, किसी स्टेट अथॉरिटी, काउंसलिंग अथॉरिटी ने गड़बड़ की है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, आपके नोटिस में आ रहा है, तो आप आरटीआई के थ्रू भी आप उनसे जवाब मांग सकते हैं कि आपने इस कैंडिडेट को किस रूल के मुताबिक आपने ये सीट अलॉट की है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो फेयर है। मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब यही है
कि आप किसी ऐसे लोगों के झांसे में न आए जो आपको प्रलोभन देके ये बोलते हैं कि मैं आपको गवर्नमेंट सीट दिला दूंगा, यहाँ की प्राइवेट सीट दिला दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दो। काफी लोग तो ये भी बोलते हैं कि सीट मिलने के बाद आप पैसे दे देना, तो हम इजली उनके झांसे में फंस जाते हैं कि पैसे तो हमें सीट मिलने के बाद ही देने हैं, लेकिन वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, बीच बीच में हमारे से पैसे की डिमांड करते रहते हैं, तो इस प्रकार से हमारे को वो फंसाते जाते हैं। तो ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है, मैं आपको बार बार यही बोलता हूं। इसी पर्पस से मैंने बुक तैयार की थी, बुक लिखी थी कि कोई भी स्टूडेंट किसी इस प्रकार की बिना जानकारी के किसी के चक्कर में न आए, किसी फेक न्यूज के चक्कर में न आए, किसी फेक पर्सन के चक्कर में न आए। हर एक उस बुक में मैंने नॉलेज दिया था। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है कि किस प्रकार से सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। ये सारा सब कुछ मैं आपको समय समय पर समझाता भी रहता हूं, तो आप खुद समझदार हैं, इन लोगों के झांसे में आपको नहीं आना है। बाकी जैसे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। तब तक के लिए जय हिंद।